समाचार। सबसे पहले तो ट्यून इंडिया रेडियो के हमारे लिसनर जो कि सिडनी से लेकर मेलबर्न तक ऑस्ट्रेलिया वाइड और दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं, उन सभी की तरफ से आप इतना वक्त निकालकर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो एडवांस में हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे सर। थैंक यू सर, आपका बड़ा फन। सलमान साहब, बजरंगी भाईजान की आज हम आपसे खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारा इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करेंगे इस फिल्म के संगीत से। देखिए, जब से आपने ये गाना सेल्फी रिलीज किया है, कसम से लिटरली आपको बता रहा हूँ कि सुबह सुबह यहाँ पे जब हम शो करते हैं तो मॉर्निंग में चाय का कप लेके डांस के कुछ ठुमके इस गाने के साथ हम लगा लेते हैं और अपने बहुत सारे हमारे जो लिसनर है ऑस्ट्रेलिया वाइड उनको उनसे कहते हैं कि भैया आपने ज़रा सेल्फी खींच के भेजो हमें, तो फनवा से खूब सारी सेल्फियाँ भी खींची जाती है। और आजकल तो कमाल हो रखा है आपका ये जो गाना है पार्टी वाला ना, तो आजकल आज की पार्टी हमारी तरफ से होती है। तो सर, जनता ये जानना चाहती है कि आपकी फिल्मों का संगीत इतना जबरदस्त होता है, खूब बढ़िया होता है, तो आपका संगीत डिपार्टमेंट में भी कुछ इनपुट रहता है? जी हाँ, थोड़ी बहुत तो रहती है सर, के प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हीरो भी हैं, तो अगर कोई गाना पसंद नहीं आए और उसके ऊपर नाचना गाना पड़े तो थोड़ा सा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो 6-8 दिनों के लिए। तो यही कोशिश करते हैं कि जो जो सिचुएशन है उसके लिए हम मैक्सिमम गाने सुने और उसमें से बेस्ट गाना डिसाइड करें उस सिचुएशन के लिए। बड़े ही कमाल के गाने। वैसे आजकल आपका इन पांचों गानों में से फेवरेट कौन सा चल रहा है? सर अभी तो एक साबरी ब्रदर्स का एक कवाली का रेंडरेशन हम लोगों ने लिया है जिसको अदनान सामी ने गाया है, वो भर दो जोली मेरी या मोहम्मद लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। तो वो गाना मेरा बचपन से फेवरेट रहा है और इसको शायद मैंने बचपन में सिर्फ 3 या 4 बार सुना होगा एक 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 रात में। आई थिंक एक घर पे कवाली चल रही थी तो ये गाना मेरे जहन में मेरे दिमाग में उस वक्त से बैठ गया था, तो हमने सोचा कि एक कवाली का एक सिचुएशन है और हमने सोचा कि इससे बेटर कोई कवाली हो नहीं सकती और ये जनरेशन इस कवाली, हमारा जनरेशन खुद इस कवाली को भूल गया था, नए जनरेशन ने ये कवाली सुनी ही नहीं, तो फिर एक 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 भूली हुई कवाली वापस से बहुत बड़ी हिट हो गई है, साबरी ब्रदर्स का फिर से नाम रोशन हो जाएगा लेट साबरी ब्रदर्स का। सो बहुत काफी ये कवाली जो है एक बहुत ही लोगों के अंदर एक रंग लाएगा जो इस कवाली से जुड़े हुए हैं। जी हाँ सेल्फी वाला गाना, सेल्फी वो वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया है तो वो गाना भी उसके साथ पॉपुलर हो गया है सेल्फी वाला। फिर रोमांटिक ट्रैक्स भी है, तू चाहिए। जी हाँ तो म्यूजिक इस बार प्रीतम ने हमको बहुत बढ़िया दिया। पिछली बार हम ट्राई किया था प्रीतम के साथ काम करना टाइगर में, उस वक्त नहीं हो पाया। फिर अब इस फिल्म के अंदर हमको एक काफी अच्छे ट्रैक्स मिल गए जो कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जो लिसनर्स हैं, जो फैंस हैं, वो भी कह रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे लिटरली एवरीडे, मैं तो सुबह सुबह चाय का कप होता है मेरा मॉर्निंग शो में और सेल्फी पे जब तक डांस नहीं होता तब तक शो आगे नहीं बढ़ता सर। इतना कमाल का गाना है। अच्छा सर, इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आई एम श्योर कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि आपने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाए, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि क्या चीज थी इस फिल्म में जो आपके दिल को छू गई? सर, इतनी नोबल कहानी मैंने पहली बार सुनी है सर। जो एक इस एक जो बैकड्रॉप है इस कहानी का, एक जो इसमें जो ह्यूमैनिटी जो कूट कूट के भरी है, इसमें ह्यूमर। अच्छा, और क्या होता है कि अगर आप एक फिल्म बनाए अच्छाई के ऊपर, एक तो ऐसा लगता है कि यार ये प्रीचिंग कर रहे हैं। बहुत कम सब्जेक्ट्स ऐसे मिलते हैं जो के जो हमारे जो फिल्म व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा एक
हिंदी फिल्मों का जो एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर यू नो ज्ञान वाली फिल्में, अच्छाई वाली फिल्में बहुत बोरिंग होती जी यू नो, चली जा रही चली जा रही, ऐसा लगता है कि यू नो सब खुदा बनने के यू नो चक्कर के अंदर है, वो प्रीति हो जाती है, वो यू नो दे डोंट अपील। बट अगर कोई एक ऐसी फिल्म आती है जिसमें ह्यूमर है, कॉमेडी है और फोर्सफुली नहीं सब प्लॉट के अंदर से निकलता है, इमोशन है, एक्शन है, यू नो, फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा हीरो क्या हासिल करता है, गोल क्या है, और उसमें एक गोल है और एक बैकड्रॉप क्या है फिल्म का, और उसमें एक लार्जर देन लाइफ बैकड्रॉप मिल जाता है। तो ये सब चीजें एक फिल्म के अंदर मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। वाओ, वाओ। जो हम लोग जो कमर्शियल फिल्में बनाते हैं उसमें भी कभी कभी ये चीजें फोर्स्ड लगती है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट हमको मिल गया है जिसमें ये सब चीज फिट हुए हैं लाइक अ ग्लव। फैंटास्टिक। एक और बहुत बढ़िया चीज़, जब मैंने इस फिल्म का पोस्टर आपने रिलीज़ किया था तो एक छोटी बच्ची के साथ आपका जो पोस्टर था बिल्कुल सीधा वो दिल पे लगता था। फिर उसके बाद जब हमने आपका जब आपका ट्रेलर देखा तो पूछिएगा नहीं, कमाल ही हो गया। तो ये जो छोटी बच्ची के साथ आपकी केमिस्ट्री जो कि पहले हमने पोस्टर में देखी उसके बाद ट्रेलर में देखी, बड़ी कमाल की है, थोड़ा सा बताइएगा ज़रा इस छोटी बच्ची के बारे में भी। सवाल ये उसका जब पहली बार मुझसे मिली तो मुझसे कहने लगी कि आप मुझे आपकी तरह सुपरस्टार बनाइए ना, ऐसा लगा था। और भाई और बड़ी फोकस फेस से वो ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची के अंदर एक एक, एक जवान औरत की रूह है। वाओ, और वो है चाइल्ड लाइक ही, वो कोई ग्रोन अप नहीं है, वो बच्ची ही है। वो एक जो होता है ना कि कभी कभी ओवर ग्रोन किड्स हो जाते हैं, वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट, वो नहीं है, वो इनोसेंस है, वो समझदार है, उसको पता है कि मुझे एक्टिंग ही करना है, लेकिन पहले मुझे पढ़ाई करना है, उसके बाद मैं एक्टिंग करूंगी। तो उसको फुल ऑन पता है कि उसकी लाइफ की जर्नी, उसको वो अपनी लाइफ की जर्नी को कहाँ लेके जाना चाहती है। वाव, वाव। At the age of six. बहुत बढ़िया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके वजह से यू नो तीन चार रीटेक हुआ, कभी नहीं। वो रिहर्सल से रिहर्सल करती है वो, और फिर अगर समझ में नहीं आता तो कबीर को बुलाती है। अच्छा। कबीर के कान में कुछ बोलती है। अच्छा। और फिर कबीर उनको बोलता है, एक्सप्लेन करता है। अच्छा। वो मुंडी हिला लेती है, ओके ठीक है। और फिर वो और केक में नवाज है, मेरे वजह से रिटेक हुए, इसकी वजह से कभी रिटेक नहीं हुए। कबीर साहब कैमरा आउट ऑफ फोकस, कैमरा मैन की वजह से वो जिमी जिम का मूवमेंट ठीक नहीं रहा। हर एक की वजह से। अच्छा। हर एक की वजह से रीटेक हुए। लेकिन इस बच्ची की वजह से कभी रीटेक ना हो। वाह, कबीर साहब का जिक्र आया, हालांकि एक था टाइगर, आपने उनके साथ एक बड़ी जबरदस्त फिल्म दी थी और खूब सारा लोगों ने पसंद भी किया था। सभी डायरेक्टर्स की अपनी कुछ खासियत होती है और कबीर खान जो कि टॉप के डायरेक्टर्स में आते हैं आजकल बॉलीवुड में, तो उनका कुछ अलग क्या अंदाज है उनका डायरेक्शन में? तो आप उनकी फिल्में देख लें, प्लॉट जो बैकड्रॉप होता है वो बड़ा होता है। एक काफी एक सीरियसनेस होती है उनकी। क्या ही ऑल्सो ह्यूमर लेके आते हैं। अच्छा। और एक्शन भी अच्छा तगड़ा होता है उनका। और जो स्टोरी लाइन जो होती है, जो जो एक ब्लॉक होता है उनका, वो बड़ा ही सच्चा होता है, सुलझा हुआ। खुद बड़े ही मेहनती हैं, खुद अच्छा लिखते हैं। एक किसी भी टाइट फिल्में होती है उनकी,
यू नो, एक कहीं ना कहीं एक अच्छाई का एक बड़ा मैसेज होता है, एक हीरोइज्म होता है उनकी फिल्मों में. तो ये सब जो चीजें हैं वो अपलिफ्टिंग चीजें हैं, जो कि आप जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपको यू वांट टू बी द हीरो. जी हाँ. बड़ी बड़ी कमाल की उन्होंने फिल्में दी हैं. अच्छा सर, आपका जो इस फिल्म में कैरेक्टर है पवन कुमार चतुर्वेदी का, और मेरा अपना ये मानना है कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं तो जब उसके डायलॉग्स आप बोलते हैं, उस सिचुएशन से आप गुजरते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी समझ में भी आती है और आप पूरा उस कैरेक्टर को समझ भी पाते हैं. तो ये जो जब आप पवन कुमार चतुर्वेदी जब निभा रहे थे, थोड़ा हमें बताइए कि कैसा कैरेक्टर है ये, कैसा इंसान है ये? बड़ा सिंपल कैरेक्टर है. इनका नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है. इनके दोस्त यार इनको बजरंगी बुलाते हैं. अच्छा. इन्होंने इन्होंने पढ़ लिखने की बहुत कोशिश की है. इन्होंने ग्रेजुएशन तक इन्होंने 30-35 साल निकाल लिए जिंदगी से. अच्छा. लेकिन कभी नकल नहीं किया, कभी चोरी नहीं की. हाँ. कभी झूठ नहीं बोला. हाँ. तो कैरेक्टर ऐसा है कि क्या फायदा अगर ये एग्जामिनेशन देना है और मैंने नकल करके मैं पास हो गया, तो इससे फायदा क्या है? जी, ये कहीं ना कहीं जिंदगी में ये मेरे सामने तो आएगा. तो उससे बेटर ये है कि आप झूठ ना बोलें, आप चोरी ना करें, आप एक सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलें. तो वो उसका एक 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 कैरेक्टर है कि इतना सीधा है कि लड़की को देखता है तो उसको जैसे उसको बहन जी बुलाता है. अच्छा. तो बहुत बहुत ही एक बड़ा सीधा सा बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है. पहलवानी की कोशिश की उन्होंने. अच्छा. लेकिन पहलवानी उनसे हुई नहीं. हाँ. क्योंकि उनको जब कोई दूसरा हाथ लगाता है तो उनको बुद्धि शुरू हो जाती है. अच्छा. तो ये है, लेकिन जब एक गलत चीज उनके सामने हो रही होती वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता. इनका ये फ्लिप साइड है. वाओ, वाओ. एक बार इन्होंने जब इनको बात पता चलती है कि ये सही काम है, ये काम करना है, और उन्होंने कसम खाली बजरंग बली की. अच्छा. तब फिर कुछ भी हो जाए वो काम करते रहेंगे. कुल मिलाकर सलमान जी, ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही सच्चा, बड़ा सीधा सा कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ रिलेट भी कर पाएंगे. अच्छा सर, इस फिल्म की जो कहानी है, जो बैकड्रॉप है, एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को लेके, और जब भी भारत और पाकिस्तान की बातचीत होती है तो मामला थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया में मेरे यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं, जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो एक बड़ा पुराना, बड़ा गहरा रिश्ता लगता है. इस फिल्म में इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया गया है? जी, मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि अगर किसी मुल्क को आपको ऐसा लग रहा है कि नीचे दिखाएंगे, तो मत जाइए देखने के लिए, क्योंकि वो सब इस फिल्म के अंदर नहीं होता. ये फिल्म बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है. वाओ. ये फिल्म डील करती है एक ह्यूमन लेवल पर. एक ह्यूमैनिटेरियन फिल्म है ये. ऊपर वाले ने इंसान बनाया है और हम इंसानों के साथ डील कर. जी. हम सब ने आके फिर मजहब, सरहदें, बॉर्डर्स हमने बनाया है, वो उसने नहीं बनाया है. तो हम जो उसने बनाया है, परवरदिगार ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया है, वो हम इस फिल्म में बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको रहना है. वाओ. इज्जत, अमल, प्यार मोहब्बत के साथ सही करते हुए रहना है. और अगर किसी को नफरत देखनी है तो ना जाए पिक्चर में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कोई ऐसी आपको चीज नहीं देखी जाएगी. नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं कि नेगेटिविटी तो है नहीं. हम तो चाहते हैं कि ये जो नफरत है इसको पूरा ही इन्हों खत्म कर दें. वाओ, वाओ. कि अगर कोई इसका फायदा उठाना भी चाहे कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसा कोई आदमी जो उनके लाभ के लिए, उनके गेन के लिए भिड़वाना चाहे, तो दो कम्युनिटीज को या दो बोल के छोड़ो यार, बहुत हो गया ऐसा, आगे बढ़ो.
बात करो, उन्नति की बात करो और करके दिखाओ। सब क्या पुरानी पुरानी बातों में ये चल रहे हो, ठीक है? खून खराब हो रहा है उनका, तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आम आदमी किससे जाने इसके अंदर? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, ये तो हमारी बजरंगी भाईजान की खूब सारी बातें हुई और एक कमाल की फिल्म आई एम श्योर के हमें देखने को मिलने वाली है। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में मैंने आपको देखा, ये जो इंडियन आइडल जूनियर आजकल टेलीविजन पे चल रहा था, आप उस शो में आए थे। बच्चों का ये शो है, लेकिन उस शो में एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि आपके अंदर जो छोटा बच्चा है वो अभी भी बिल्कुल यू नो बरकरार है, बिल्कुल जिंदा है। पता नहीं सर, हमने कहाँ इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने अंदर, हमारे अंदर जो ये छोटा बच्चा होता है ना, ये कहीं पे गुम हो गया है, या पता नहीं यू नो बड़ा हम लोग जो है वो बड़ा नापतोल के हंसते हैं, नापतोल के बातचीत करते हैं, छोटे बच्चे जैसे मुस्कुराते हैं, गुनगुनाते हैं। वो आपको हमने उस शो में देखा, बच्चों के साथ आप गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। इवन जब आप शो के बाद अदनान के साथ वापस जा रहे, तो जाते हुए आप एक बड़ा ज़बरदस्त गाना गुनगुना रहे थे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये जो छोटा बच्चा है, ये आपने कैसे ज़िंदा रखा है? इतनी भागती दौड़ती आपकी ज़िंदगी, इतना बिजी आपका स्केड्यूल रहता है, तो बताएं ये छोटा बच्चा जो कि हमारे अंदर है, इसको ज़िंदा रखना कितना ज़रूरी है सर? ये बच्चा ही है सर। माँ भी बोल रही है आजकल के भाई 49 के हो गए, थोड़ा सा बढ़ जाओ। लेकिन जब तक वो एंथुसियाज्म रहता है, कभी कभी ज्ञान व्यान की भी बातें करनी पड़ती है ताकि बोले कि भैया अच्छा समझदार भी है। बट जब आप बच्चों के साथ हो, तो आप बच्चों की तरह यू नो वो एक इनोसेंस और वो एक वो जो हरकते हैं वो रिलेट कर जाते हैं। और उसके लिए कुछ ओवरली करना नहीं पड़ता, जैसे आपको वैसे मेरा जब तक आप में एंथुसियाज्म हो, आप यंग रहोगे, जहाँ आप थक गए कि मैं थक गया, एंथुसियाज्म मर गया किसी भी चीज के प्रति, काम के या किसी रिलेशनशिप के, जहाँ आप बोले अरे यार छोड़ो ना अभी, दैट ओल्ड मैन सेक्शन। और ओल्ड मैन को कहाँ को जगह दें यार अपने इसमें, ओल्ड आदमी को नहीं चाहिए। जी हाँ। जितना डिले कर सकते हैं उसको उतना डिले करेंगे। वाह, सलमान साहब, आपने इतनी सारी हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे जितने भी लिसनर हैं, सभी की तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं बजरंगी भाईजान के लिए और आने वाले आपके प्रोजेक्ट। आई एम श्योर कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे बड़ा एंटरटेनिंग और बड़ा ज़बरदस्त होता है। थिएटर में हम जाते हैं खूब सारा मुस्कुरा कर और खूब सारा मज़े लेके बाहर निकलते हैं। तो खूब सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर ट्यून इंडिया रेडियो से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी।